तो शादी हुई से हाँ, गोलिया में बारात बारा कहा समय।, समय भी वो जमाना एक बारात भी और शंकर जी बारात रही कैसे लगभग दो हजार से ज्यादा बाराती मन गई रही समय ओ, समय पे एक शादी का सो और पे? वो फिर वो जमाने में लूट मार भी हो गए वहाँ वहाँ झगड़ा लड़ाई भी हो गये वहाँ बलो चल गए तलवार चल गए अरे बाबा सब छात्र नेता मन गए ससुराल वाले मन के साथ में हाँ हम्म छात्र नेता मन गे तो छात्र मन नेता मन गे ससुराल वाले मन के साथ में नहीं कोई गुंडा बदमाश मन रही पे पान खाये बर लोगन मन गीस हाँ, तो पान खाए गीस तो वो मन दादा मन रही के महाराष्ट्र के तो वो मन थोड़ा अकड़ दिखाईस तो फिर हमारे यहाँ के लोगन मन भी अकड़ दिखाईस बरातीन जो लड़ाई होती है वो आपके होरी से हाँ फिर मोर घोड़ा में बोला भदा के लेके कहा घोड़ा में घोड़ा में वही जहाँ बारात लेके जाना रही भवन में हाँ भवन में जहाँ वो हमारे ससुराल के घर रही हाँ। वहाँ पे अच्छा फिर वहाँ ले जाके फिर वहाँ फटा जल्दी जल्दी फेरा वेरा करा के भावर वावर करा के जल्दी विदा करीस फिर लड़ाई झगड़ा हुई ज्यादा टाइम रखना नहीं मतलब पूरा पुलिस के सुरक्षा में हां अमन मनला रवाना करिस काबर की ओमन वहाँ के बड़े गुंडा ग्रुप वो जमाने में तो सब ये माफिया गुंडा, गुंडा ग्रुप चले हां अभी जानते हमन... नहीं जाने की यार वो बृजमोहन अग्रवाल भाई सब जानते हैं ये तो अभी बच्चन के शो में पूछेगे रिस कि महाराष्ट्र में गोंदिया हम सबसे बड़े बारात का कर गे रिस 2000 बारात वो भी मिल इंतजार करते करते टाइम तो तो भारी इंतज़ार हुआ थे जी और इंतजार के फल बैठा होते हैं मतलब बहुत बढ़िया इंटरव्यू होने वाला है और वाला आए थोड़ी देर हो गए ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं लेकिन अवैया है खबर कि माता जी के दर्शन करे पर गई थी रात में तो सुबह हो गए और सुबह तो थोड़ा सा लेट उठा थे और बहुत बढ़िया इंटरव्यू देखने मिली आप बने रहो वीडियो में खबर की बहु खाड़े हूँ मैं और खुशवंत और अब बने रहो खबर की बहुत ज़बरदस्त आदमी की इंटरव्यू हो गया है बहुत ज़बरदस्त थंबनेल देख चुके हो आप थंबनेल में कौन है और बारे में भी बता चुके हों तो बने रहो वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं और चुनावी यात्रा जो है अमर मन के जारी है वो स्पॉन्सर्ड बाय जो है दुल्हे साहब और सहेली ज्वेलर्स भिलाई दुर्ग सिविक सेंटर त्रिसाली और चाय तक वो आगे छाछ चाय भैया छाछ छाछ पहले पानी पी ले ना हां छाछ 24 घंटे मिलते हां 24 घंटा छाछ का पर क्यों तीसरा छाछ है ना तीसरा छाछ है धन्यवाद <laughs> भैया एक नंबर बने थैंक यू थैंक वाला रहम दे नहीं 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 खाना मना हूं मीठा माल खा दो के माल खा माल खा नमस्कार जय जोहार मैं यशवंत और आप दिखा तो भिलाई टाइम्स जैसे कि आप लोग पता है कि भिलाई टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हम कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग शख्सियत से आपसे रूबरू करान आज हम रूबरू कराने वाला हन रायपुर दक्षिण के सात बार के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जो कभी चुनाव नहीं हारे रहे हैं जे बार चुनाव लड़े है वो बार चुनाव जीते है आठवीं दफा चुनाव लड़िया हवे तो सोचे नाकर ज़िंदगी के बारे में हम जान लेते हैं पॉलिटिकल सवाल कम हुई लेकिन पर्सनल सवाल ज़्यादा रहे तो आप वीडियो में बने रहो बहुत सारा आपका अपडेट मिली बहुत सारा जानकारी मिली बहुत सारा जानकारी हो सके मोला भी पता नहीं हुई कहा कि मैं ज़्यादा स्टडी करके नहीं आया हूँ जो मन मोर मन में सवाल हुई वो सवाल करूँ रायपुर घर में हम नभावन भी और थोड़ी देर बाद जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे संग्रबो और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से बहुत सारा बात करबो बहुत सारा डिटेल में स्टोरी जानबो जो ऐसे अनटोल्ड स्टोरी है वीडियो में जिला शायद मुझे लगता है कि आप भी नहीं जानो और महू नहीं जानूँ

तो काम के प्रेशर है बढ़ जाते लोगन मिलने वाला ये सब पूरा अपन अच्छा अच्छा क्षेत्र भी देखना है छत्तीसगढ़ देख। भी देखना है छत्तीसगढ़ नहीं, नहीं, सम्मान करता हूँ मोर गुरु तो हनुमान जी है जी पर महंत जी से और महंत जी के गुरु जी से मोर और मोर परिवार के बहुत अच्छा संबंध है जी आज भी है पहले भी रहीस वैसे कोई काम या कार्यक्रम नहीं है कि दुधाधारी मंदिर के कोई कार्यक्रम हो मैं नहीं जाऊँ तो एक अब वो बिचार वाला तो फंसा दे हाँ। वो तो मना कर दे रही आपके बयान देखा बलिक बकरा बना दे करके हाँ मैं तो बोला बोले रहे हाँ मैं और मोर बात भी हो तो बोले मैं रायपुर से नहीं लड़ा हूँ मैं तो अच्छा मैं जांजगीर से लड़ूं और मोला मुख्यमंत्री जी तैयारी करे बार बोले है तो एक साल से मैं वहीं लगे हूं तो रायपुर में तो मैं सोच भी नहीं कि मोला रायपुर से वो भी आपके खिलाफ में नहीं मोर खिलाफ में नहीं कहा है अब वो धार्मिक महनते हाँ। तो महंत मन के जो शहर के राजनीति होते वो बहुत टुटपटांग होते मोला मेंटेन करना आसान नहीं है आप मेंटेन कर लेते हो और मैं तो अब अत्येक साल से शहर में पैदा हुए से लेके पढ़ने से ले स्कूल से लेके नहीं तो से हाँ। मैं तो छात्र राजनीति से आए हो ना जो जो समय मोर अठारह साल की उम्र रही वो जमाना से मैं गवर्नमेंट स्कूल से शुरू करे हूँ फिर दुर्गा कॉलेज में करे हों फिर भिलाई कल्याण का कॉलेज में करे हों फिर युवा मोर्चा हु। तो में करे हों तो मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ आज से नहीं पिछले पचास साल से घूमा था

<laughs> तो चंडी बनियान में भी पहुंच जाता है वो जमाना में तो ड्रेस छठवीं से हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चकबंदी स्कूल गांधी चौक के पास में एक चकबंदी वो गवर्नमेंट स्कूल की हाँ। छठवीं से क्लास लगे बाद आठवीं से जो तो अपन नल घर के पास में है वहाँ लगे तो वहाँ पढ़े बारहवीं तक बारहवीं तक वहाँ पढ़े कौन से विषय ले रहे हो ग्यारहवीं में पहले दसवीं में साइंस ले रहे हो हाँ। और फिर ग्यारहवीं में मैं कॉमर्स ले रहे मैट्रिक उसी समय का है ना हाँ। अभी के तो चेंज हो गया चेंज हो गए फिर ग्यारहवीं में कॉमर्स ले ले रहे हो साइंस के बाद कॉमर्स का पर कॉमर्स बोला साइंस ऐसे थोड़ा कठिन लगी तो फिर कॉमर्स में आ गए हूँ राजनीति ज्यादा कठिन नहीं लगी सोई नहीं नहीं राजनीति तो का है राजनीति कठिन भी है और राजनीति सरल भी है लेकिन आप तो कभी चुनाव हारे नहीं हो तो आपके लिए कठिन वाले बात ही नहीं हुई सब सरल नहीं ऐसे कोई भी अपन जोन सामने वाला है ओला कमजोर मान के अगर आप चुनाव लड़ू तो फिर आपके खातिर राजनीति कठिन हो जायी ओला फिर चुनौती मान के लड़ू तो फिर ओला अवसर में परिवर्तित कर तो आप जो कमजोर नहीं माना तो मैं जी नहीं मैं तो मानता हूँ की कांग्रेस चुनाव लड़ी महन जी नहीं महंत जी तो प्रतीक है प्रतीक है बस चेहरा है चुनाव तो लड़ ही कांग्रेस है तो मैं हमेशा कांग्रेस ला अपन प्रतिद्वंदी मानता हूँ चुनाव तैयारी करती स्कूल टाइम में कोई धरना वरना कोई मतलब तो माहौल और हाँ, दसवीं क्लास में हमारे गुरु जी रहीस वो है सब बच्चा मन ला बोल दिस की ट्यूशन जो नहीं पढ़ी वाला फेल कर दिए ट्यूशन जाऊसन हाँ। ट्यूशन अनिवार्य है सेम अनिवार्य नहीं रहीस ना भाई मास्टर मन के जैसे चला है वैसे चला है बोल दिस की ट्यूशन जो नहीं पढ़ी वाला फेल कर देगा वो फेल कर दीस तो फिर हमन मन बहुत जनला स्कूल में बहुत जनला हाँ। दस पंद्रह जनला तो हमन मन फिर धरना पे बैठे हैं तो तो वहाँ से हाँ तो वहां से फिर राजनीतिक बीज फूटे है तो लोग मन हमारे जो संगी साथी मन रही नेताजी बोलना शुरू कर दी आप भी थोड़ा हम आगे फिर कॉलेज में पहुंचे हैं कॉलेज का दुर्गा कॉलेज कॉलेज में आके फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए हैं वो जमाना में जो उन कॉलेज के राजनीति रहीस वो सब दादा ब्राह्मण पारा के देश बंधु संघ के मौधा पारा के हमन मन लगी की ये जो दादागिरी की राजनीति वाला खत्म करना है हाँ। तो फिर आम छात्र मनला लेके वो मनला जोड़ के और छात्र राजनीति में शुरुआत करें और वो आ, अर्जुन सिंह वाले कुछ कांड हो रही से जे में आप बर्खास्त हो गए कॉलेज से बाद भिलाई चले गए कल्याण कॉलेज वो का से? नहीं का वो जमाना में जब सरकार के खिलाफ में कोई लड़ाई लड़े ना धरना प्रदर्शन आंदोलन करे तो वो मन एक ब्लैक लिस्टेड बना रही अच्छा और वो ब्लैक लिस्ट बने तो वो मतलब एडमिशन नहीं दे

अठहत्तर से अच्छा तो पांडे मन दुर्गा कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव लड़ना शुरू करे हैं वो जमाना से समय किसी लड़ो भी चुनाव ना रहे मतलब छात्र संघ जमा चुनाव तो छात्र संघ के अध्यक्ष जो ने होकर हाँ। सामने विधायक विधायक कहीं नहीं रहे हाँ। और मुख्यमंत्री छात्र संघ अध्यक्ष से बुलाकर बात करे की सड़क के लड़ाई जोन मन लड़े वो छात्र अच्छा। मन लड़े छात्र मन लड़े और बाकी कोई लड़ाई लड़े नहीं और जोन ला भी आंदोलन करना है वो छात्र मन ला बुलाए ऐसे करे पर भी बहुत कोशिश करी बहुत कोशिश करी कोई एपिसोड याद है अपना बहुत याद है ना अब जैसे इमरजेंसी लगी विद्याचरण शुक्ला हमला चरण कि इंदिरा गांधी के समर्थन में आप जुलूस निकालो हमन हाँ। मन बोले नहीं निकालन सब राष्ट्र विरोधी काम है तो जेल जेल में तो तो। भी मैं मैं लगभग तीस बार जेल गए काल कोठरी में भी गये हूँ साठ केस साठ केस मोर खिलाफ में बने हमन मन पहले जैसे ट्रक में जुलूस निकाले ना तो डकैती केस लगा अपहरण केस लगाए

तो फिर तो आप तो कांड कांड तो कांड कांड पे तो कांड़ पे कर रहे हो बदनामी ऐसे ऐसे कोई कोई काम नहीं कोई को चोरी कोई वाले, हाँ। चोरी वाले तो जो हम भी अपराध दर्ज सब जनहित की मामला जनहित के मामले हम्म के पढ़ाई की बात किसी लगे करना चाहिए आगे कॉलेज के पढ़ाई स्टूडेंट लीडरशिप में रह विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे फिर हमला ऐसे लगी इसकी जो राष्ट्रीय जो देश हित के बात करते वो कोई है तो जनसंघ है भारतीय जनता पार्टी है वैसे भी एबीपी जो है से, बीजेपी के यंग है। से, जी तो फिर में विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे तो युवा मोर्चा से जुड़ गए फिर मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बने हैं फिर रायपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुई उसमें अटल जी राजमाता सिंधिया सब मनाई जी और फिर वो सम्मेलन अच्छा हुई तो फिर मौला प्रदेश के उपाध्यक्ष आप बना दिस शिवराज जी में साथ अध्यक्ष जी प्रदेश के जब अध्यक्ष रिस में महामंत्री रहे अच्छा शिवराज सिंह चौहान जब रही तो महामंत्री उसमें कांग्रेस के सरकार कांग्रेस के सरकार रही अर्जुन सिंह रही दिग्विजय सिंह टेरर वाले सीएम रही दहशत रहा है सीएम के वो तो चाणक्य माने जाए हाँ। आ, वो दशा तो अत रहे कि लोगन मन डर है हाँ तो वो कर रोड सॉरी रही रायपुर में मालवी रोड में औ हम मन सब मन रह युवा मोर्चा वाले तो सब लग गिरफ्तार करके ले गए तो हमन मन दो चार जन एक सीढ़िया में बैठ गए किराना दुकान के और वो जो वो कर जीप आईस तो मैं जेब से काला झंडा निकाले हाँ मुंह पे फेंक के मारे और जब मुंह पे फेंक के मारे हो, तो मोर अतिकाई पुलिस वाला दोनों मिलकर मुख्यमंत्री के मुंह में अतेक काला झंडा फें फेंक के मार दे में काला झंडा मुंह में फेंक के जेल में डाल फिर जेल में डाल दीस फिर अर्जुन सिंह तो डायरेक्ट जान गई ना यार कोई ब्रिज अग्रवाल हवे जो रायपुर में मुंह में काला झंडा फेंक दिस करके लेकिन आज की तारीख में कोई काला झंडा दिखाना भी बड़ा मुश्किल है देखो का है लोकतंत्र में विरोध करे के तरीका है और विरोध करे से जो डरही वो सफल नहीं हो सका है विरोध करना चाहिए शालीन तरीका से करना चाहिए परंतु विरोध में कोई वर्गलिटी नहीं होना चाहिए ठीक बोले हो परंतु विरोध आज के लड़का मन तो विरोध जो नहीं ना खाली व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ठीक बोला तो आज की लीडरशिप भी नहीं है सब टाइप के छात्र संघ में पदाधिकारी हो गए खत्म हो गए ना खत्म आज आप देखो पुराना जते के प्रेम प्रकाश पांडे है शिवरतन शर्मा है अजय चंद्राकर है है मोहम्मद अकबर अब हैवींद चौबे जी है तो पुराना जमाना देखो तो सब स्टूडेंट लीडरशिप से देश में जो अपन रविशंकर प्रसाद है ओकर पहली अपन प्रहलाद पटेल जी भी तो है प्रहलाद पटेल है शिवराज सिंह चौहान है नरेंद्र तोमर है और जो अपन केंद्रीय गृह मंत्री रही अभी नहीं है अरुण जेटली है जेटली ये सब स्टूडेंट लीडरशिप से आए हुँ, हुँ, हुँ। शादी पर भी आओ कैसे हुई से, हुई से कहा हो रही से बताते ससुराल कहां है मोर ससुराल गोंदिया में है आ, वो पहले तो बहुत दिन तक घर वाले मनाए हम मनाकरण मनाता है कटकपुर में भी शादी है हैं कटकपुर में हुई सही 28 साल में 28 साल में सही टाइम हो गई से और फिर मना करन, फिर मन दुकान खोला के बैठा खा दुकान खोले रहो पहले एक बार पंखा की दुकान खोले हूँ कहाभा है कि दुकान अब नहीं है। अच्छा वो सब हो गए देतागिरी दुकान खोले तो वहाँ दिन भर चाय पानी नाश्ता चलाया शादी करना दुकान खोलवा बताया लगी लड़का का करते कोई लड़की नहीं दही धंधा पानी वाले थोड़ी से बोले तो शादी गोलिया हुई से हाँ गोलिया में ओ समय भी वो जमाना एक भी ओ, बरात भी और शंकर जी बारात रही लगभग दो हजार से ज्यादा झगड़ा समय? समय लड़ाई भी हो गए तलवार <laughs> चल गए छात्र नेता मन गये ससुराल वाले मन के साथ में हाँ छात्र नेता मन गये रही तो छात्र नेता मन गये ससुराल वाले मन के साथ में नहीं कोई गुंडा बदमाश मन रही जहाँ पे पान खाए बर लोगन मन गीस हाँ। तो पान खाए बर गीस तो वो मन दादा मन अच्छा है तो वो मन थोड़ा अकड़ यहां के लोगन मन भी अकड़ जो लड़ाई होती है घोड़ा में मोला भदा के लेके हाँ। <laughs> <laughs> कहा चले गए घोड़ा में घोड़ा में वही जहाँ बारात लेके जाना रही भवन में हाँ भवन में जहाँ वो हमारे ससुराल के घर रही वहा वहा ले जाके फिर

ओ जमाना में तो तो ससुराल वाले मन बोली नहीं नहीं। आपके किया तक भी नहीं, की बता मन थे। बोले बोले हाँ। या तो रायपुर आके आके करो अब, अ, और के करो और रायपुर बुलाऊ तो हमारा आदमी आई तो व्यवस्था करे बड़ जनाजी करके शादी बार भी आओगे राजनीति में आगे समय वो समय राजनीति में आगे एक बार तो ऐसे हो थी। कि मोर ससुराल वाले घर में आग बैठे रहीस और मोला पुलिस पकड़ के ले जाती हमन मन जिंदाबाद मुर्दाबाद करके <laughs> तो घर से फोन आए कि ससुराल वाले आए हैं मिले बर आओ <laughs> तो फिर थाना में दो घंटा छुट्टी लेके मैं फिर मिले बर गया ससुराल यार ससुराल के मामला घर के मामले बोलते केस नहीं आंदोलन नहीं आंदोलन कर ली गिरफ्तार आप आजकल जैसे नजर बंद कर लेते कि नेता आते तो लोग पुलिस प्रोटेक्शन दे देते

और यहाँ के सबसे बड़े परिवार के सेठ नैमी वो जमाने में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तो भतीजा रही है। अच्छा, तो फिर आप आविदन, आविदन, जी से लोगन मन रहे भाव ठाकरे जैसे लोग एक आदमी पहचान है आपके गॉडफादर कहा जाएरलाल पटुआ री से गोविंद सारंग यहाँ संगठन मंत्री जी किसी टिकट फाइनल कुछ नहीं मुला बोलीस कि तुमला लड़ना है हम्म ठीक है फिर तैयारी शुरू हो गई दवेदार बहुत उसे भी है। वो मैं बहुत बालू भाई पटेल एक रही है। वो निर्दली चुनाव मोर खिलाफ में अच्छा पुराना आदमी रही भी लड़ी तो कितना जमाना में पहला चुनाव ढाई हजार वोट से जीते रहे बहुत मार्जिन ज्यादा नहीं हरा मार्जिन हो गया मतलब किसे का है स्ट्रेटेजी का है तो बनर सेना रही सब कॉलेज के लड़किया माने और ये सब इकट्ठा होके हमारे एक यूथ ला टिकट मिले है एक लड़ाकू आदमी ला टिकट मिले है हमला जिताना है बहुत कठिन चुनाव भी रही लड़की मन के बीच में बहुत क्रेज रिस लड़की मन के बीच में नहीं लड़की मन तो हमार मन से देख के भागे है खबर अरे स्टूडेंट लीडर रहे तो मतलब डर लागे और मतलब वोट करे बार बंद कर दे अच्छा कांड करूँ तो, तो लोग भी भागी से तो वो समय भी वो री से तो ओकर बाद सेकंड इलेक्शन पहली बार मंत्री बने हो ना पहली बार मैं राज्य मंत्री बन के रहे हूँ पटवा जी के सरकार में भैया तो बहुत छाछ पिला रहे है, तो थोड़ा टहलबो माना हाँ, तीन तो चार गिलास छाछ पियो तो इंतजार करते करत रहते हैं पहली बार में मंत्री कौन से डिपार्टमेंट मिली साहब मोला पहली बार जो मंत्री में बने हों तो पर्यटन संस्कृति धर्मस्व और नगरी प्रशासन के राज्य मंत्री में बने अच्छा मतलब शुरू से आप पर्यटन जो, जो, तो जो कुंभ मेला उज्जैन में होकर हाँ। पहले इंचार्ज में बने रहे अच्छा पहली बार के कैसे कई हालांकि राजीव आप शुरू कराओ राजीव कुंभ के जो जो है आप ही के माध्यम थे कि आप ही शुरू करा करके इसे धीरे धीरे वो जमाना में सिखाने वाले नेता मन बहुत रहे अच्छा जो मन उंगली पकड़ के सिखाए आज तो कोई सिखाए पर तैयार नहीं है कोई सीखे पर भी तैयार नहीं है हुँ हुँ। वो जमाने में तो आप गलती करो तो नेता मन कहता है कि अधिकार है वो मन बोल दे कि देखो अभी नया हो थोड़ा संभल के चलो थोड़ा ठीक से चलो अत एक मत करो ऐसे वो मन बोल दे बोल दे आज के समय पे कोई के बोले की हिम्मत नहीं है लेकिन आप लोग नहीं लगता की सेकंड लाइन तैयार करना चाहिए बीजेपी में भी निश्चित रूप से सेकंड लाइन तैयार करना चाहिए आज की युवा पीढ़ी मन में ना वो चीजें नहीं आ पाते जब तक आना चाहिए तो सेकंड लाइन जो ने वो, वो तैयार होना चाहिए और सेकंड तो मैं तो बोलता हूँ थर्ड लाइन में तैयार होना थर्ड लाइन तैयार होना पर चाहिए। आज के समय पे का हो गए जत अपन नौजवान मन है न वो नौजवान मन पराक्रम नहीं करा परिक्रमा से राजनीति करना चाहते मेहनत नहीं करा तो मेहनत करे जरूरत है आज के युवा पीढ़ी ला वो मेहनत करके संघर्ष करके आगे आए बारहवीं में तक नंबर बारहवीं में मैं सेकंड डिवीजन में पास हो गए वो भी भी टाइम बहुत गया और कॉलेज वॉलेज में 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 सब में में पास हुए। हुए ज़्यादा एवरेज रहे कभी में फेल नहीं हो। बेजा टाइम तो नेतागिरी जाए धरना प्रदर्शन आंदोलन में जाए हुँ हुँ आपके स्कूल टाइम में कोई फेवरेट हो जो आज, आप, आप, आज, आज करते हो ला आप भी। है तो एक एनके शर्मा रीस हमारे अकाउंट के गुरुजी जी रहीस एक श्रीवास्तव जी रहीस बोला केकड़ा बोलन बहुत लंबा हो <laughs> ये स्कूल स्कूल में रिथे गुरुजी गुरु जी चढ़ाया जाते मन के मोला बहुत प्रेम आशीर्वाद मिले हम काबर के कभी हमन मन गलत काम नहीं करें हमेशा सही काम सही मुद्दा के खातिर लड़ाई लड़े और आज की तारीख में गुरुजी जी मन मतलब वो गुरु मन के प्रति जो बच्चे मन के जो थे सम्मान है अब वो कम होगी इस कम गुरु जी मन अपन सम्मान खुद कम करे करें बाकी ठीक है मन, अभी एक बार इधर तो आवेदन नहीं करे हो आप टिकट के लिए नहीं कोई आवेदन कर मैं आवेदन कब हो नहीं हाँ। करे कभी नहीं करे हो टिकट पार्टी खुद बोलते कि लड़ो चुनाव मैं तो खाली अब हमन मन एक सीनियर हो गए हैं कि हमन मन सबके साथ में हमन उठना बैठना होते हमन मतलब कुछ बहुत बोले की जरूरत नहीं है जो पार्टी हमारे निर्णय हमारे भविष्य के निर्णय कर ही पार्टी कर ही हर कार्यक्रम में आप जाते तीन बजे ना हो, चार के हो जाना, है, मतलब जाना है छोटे बड़े सब जगह पे वो का कहानी मतलब वो छोड़ना तो नहीं। कहानी मोर ये मानना है कि कोई आपका तो वो बहुत गौरव और गर्व के साथ में कि अगर तो मोर घर मोर घर मोर सम्मान बढ़ी मोहल्ला वाले मन समाज वाले मन बोली की तो छोटे से छोटे आदमी भी बुलाए मैं ये कोशिश करता हूँ छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी सब अटेंड कर सब ला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड कर पाऊँ नहीं अटेंड कर तो नहीं अटेंड कर पाऊँ तो बोला चिट्ठी लिख के भेजता हूँ कि ये कारण से मैं बाहर हूँ और कहीं गए हों और कोई कार्यक्रम हो गए बहुत ज़्यादा अब जैसे कोई

अब जिसे शादी 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 तो है तो अलग है मैं दोनों लड़का लड़का भी छठी वटी में, में, में जाता हूँ तो मैं भी देता हूँ ऐसे नहीं है वो शगुन है जिसे मोर यहाँ शादी में आई कोई सौ रुपया भी दे ही तो सगुन दे ही ना

हाँ मैं लगभग दिन भर में रायपुर शहर के पान ठिलाने में जानते कि भैया का हाँ, सब मोर पान ला जानते कावेरी से पान में से मोर पान में मैंने लौंग इलायची और ठंडाई पहले मैं बीड़ी पत्ती माखुर खाते रहे हूँ <laughs> तो अब ये सब बच्चे मन बड़ा हो गए ना तो ये मन बंद करवा <laughs> दे पान डिब्बे वाले मन बंद कर बोल दे कि अब पान में माखुर मत डालो पापा पान में माखुर मत डालने करके तो बाकी आपके नाम पे एक ब्रांड भी बन गया ब्रिजमोहन पान करके ब्रिजमोहन चूरन ब्रिजमोहन चूरन <laughs> सॉरी हाँ चूरन के बारे में इदारी, इदारी चुनाव के किसी करो फिर अभी तो बीस तारीख के सत्रह तारीख के चुनाव है और तिहार बार है वो हाँ। कर ली किसी कार्य ही अबे ना डिस्टर्ब तो हुई डिस्टर्ब है कि भाई अभी नवरात्रि चलत है फिर दशहरा आई दशहला के बाद फिर दिवाली आई फिर हाँ। धनतेरस आई तो हमारे ये कोशिश करत हन कि लोगन मन के मन में ये भावना पैदा करें कि ये भी हमारे लोकतंत्र के त्यौहार है और यही त्यौहार ला भी हम लोग जैसे दिवाली मनाथन नवरात्रि मनाथन दशहरा मनाथन वैसे यही त्यौहार ला भी मनाना है और ये दारी हम बाहर नहीं जाना है हम

और गुण के अपन मतला जाहिर करो जाहिर करो जय जो